तो बनासकांठामां युवकने मार मारनो वीडियो वायरल थयो छे। छोकरीने मळवा आव्यानी शंकामां तेने ढोर मार मारवामां आव्यो। स्थानिको युवकने पाइप वडे ढोर मार मार्यानो वीडियो वायरल थयो छे। जो के न्यूज 18 गुजराती आ वायरल वीडियोनी पुष्टि नथी करतुं। तो युवक ने मार मारता होय तेवो वीडियो हाल वायरल थयो छे। ते लोकोए शंका राखी हती के आजे युवक छे ते एक युवती ने मळवा आव्यो हतो। तेवी शंकाना आधारे तमाम जे लोको छे त्यांना तेमना द्वारा आजे युवक ने ढोर मार मारवामां आव्यो होय तेवुं सामे आव्युं छे। हाल तो जे वीडियो छे ते वायरल थई रह्यो छे। जो के न्यूज 18 गुजराती आ वायरल वीडियो ने पुष्टि नथी करतुं। तो आप जोई शको छो वीडियो में पण युवक ने धोका थी मार मारवामां आवी रह्यो छे। आ युवक पर युवती ने मळवा आववानो आरोप लाग्यो छे। तमाम लोको कही रह्या हता के आ युवक छे ते एक युवती ने मळवा आव्यो हतो ने जेने कारणे तेने मार मारवामां आव्यो। सूरतना बारडोलीमां बाइकना शोरूममां मारामारी थई। मोपेड बराबर रिपेरिंग न करता कर्मचारी अने ग्राहक वच्चे बोलाचाली थई हती। बोलाचाली बाद मामलाए उग्र स्वरूप धारण कर्युं अने सुझुकीना शोरूममां मारामारी करवामां आवी। जो कि मारामारीना जे दृश्यो छे ते सीसीटीवीमां कैद थया छे। शोरूम संचालके ग्राहक विरुद्ध पोलीस फरियाद नोंधावी छे। बारडोली पोलीसे आ मामले तपास हाथ धरी छे। तो सूरतना आ दृश्य छे जेमां कर्मचारी अने ग्राहक वच्चे मारामारी थई होय तेना फूटेज पण सामे आव्या छे। जो कि आजे संचालक छे शोरूमना संचालक तेमणे ग्राहक सामे फरियाद नोंधावी छे। सेलवासमां एक व्यक्तिना अकाउंटमांथी 1000 के 5000 नहीं परंतु 6.5 लाख रूपया उपड़ी गया अने बैंक एकाउंटनुं तळियुं साफ थई गयुं। समग्र मामले भोग बनारे फरियाद नोंधावी छे। जेना अनुसार एक अजाण्या नंबर परथी बैंकना अधिकारी तरीके ओळख आपीने फोन आव्यो हतो अने सामेनी व्यक्तिए बैंक एकाउंट डिटेल्स मांगी हती। भोग बनारे बैंकना अधिकारी होवानुं मानी तमाम विगतो आपी देता थोड़ी ज वारमां व्यक्तिनुं खातुं खाली थई गयुं। आ घटनाने लईने सेलवास पोलीसे तपास करी अने तपासना अंते झारखंड थी धीरज मंडल अने दीपक मंडल नामना बे आरोपीओनी धरपकड करवामां आवी छे। आ बंने आरोपीओ साइबर क्राइममां अव्वल जामतारा गेंगना सभ्य होवानुं सामे आव्युं छे। તેઓ અજાણ્યા નંબરમાંથી ફોન કરીને અધિકારી તરીકે ઓળખ આપી બેંક એકાઉન્ટ ડિટેલ મેળવી છેતરપિંડી આચરતા હોવાનું તેઓએ પૂછપરછ દરમિયાન સ્વીકાર્યું છે। પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી રોકડ સહિત મોબાઈલ કબજે કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। तो समाचारोमां अत्यारे फक्त आटलुं ज, परंतु जता जता नजर करीशुं टॉप 3 न्यूज पर। ભાવનગરમાં કોમ્પ્લેક્સનો ભાગ ધરાશય થતા અફરાતફરી। ઘટનામાં એક મહિલાનું મોત, ઇજાગ્રસ્તો સારવાર હેઠળ। હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ એમસીડી મેગા ડ્રાઈવ જાહેરમાં પાર્ક કરાયેલા વાહનોને ફટકાર્યા દંડ। રાજ્યમાં રોગચાળો બેકાબુ, સુરતમાં વધુ એક યુવકનું તાવ આવવાથી મોત। એકલા સુરતમાં રોગચાળાથી 17 લોકોના મોત।